हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास नाइन्थ ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 8 जो है आपकी इंडिसेस, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके जो चैप्टर का नाम है वो इंडिसेस। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इंडिसेस कहते किसे हैं, इसके क्या क्या रूल होते हैं, और जो हमारी एक्सरसाइज 8 है उसमें हम कौन कौन से फॉर्मूला या कौन कौन से रूल का इस्तेमाल करके पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ 2 to the power 3, मैंने क्या कहा? 2 to the power 3, यानी 2 की पावर कितनी है? 3 है। तो जो यहाँ पर 2 है इसको हम क्या कहेंगे? इसको बेस कहेंगे। समझ में आई मेरी बात? और ये जो 3 है, जो पावर में लिखा हुआ है, इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट। क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट, ठीक है। और ये जो 2 to the power 3 लिखा हुआ है, इसको हम कहेंगे कि ये अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये लिखा हुआ है। एक बार फिर से, 2 to the power 3, यानी 2 की पावर 3। यहाँ पर जो 2 लिखा है उसको हम बेस कहेंगे, जो ऊपर पावर 3 लिखी है उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट लिखें, एक्सपोनेंट कहेंगे। और 2 to the power 3 जो है वो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्सपोनेंट के बारे में आपको सिर्फ इतनी सी बातें जाननी है जो आपकी बेसिक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लॉज हैं, उसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और उसी के बेसिस पे, उसी के बिना पर हम जो है एक्सरसाइज 8 को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आप हेडिंग डालिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, या लॉज ऑफ इंडिसेस, आप कुछ भी कह सकते हैं। कुछ बुक में ये चैप्टर इंडिसेस के नाम से दिया है, और कुछ बुक में ये चैप्टर किसके नाम से दिया है? एक्सपोनेंट के नाम से दिया है, ठीक है। फिलहाल जो अभी मैं बुक सॉल्व करा रहा हूँ, जिसका नाम है ML अग्रवाल, उसमें जो है ये चैप्टर इंडिसेस के नाम पे दिया है। अगर आप सेलिना ले लें तो उसमें ये चैप्टर एक्सपोनेंट के नाम से दिया हुआ है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जो पहला लॉ है वो कहता है, अगर a की पावर m है, बीच में डॉट, डॉट का मतलब इनटू, ठीक है, डॉट का मतलब क्या होता है? इनटू का साइन। फिर a की पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, a की पावर m है इनटू, डॉट का मतलब क्या होगा? इनटू a की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। अच्छा, इस लॉ को अप्लाई करने का पहला रूल क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के पहले लॉ को अप्लाई करने का रूल क्या है कि यहां पर जो बेस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 की पावर 3 हो, बीच में लगा हो डॉट, डॉट का मतलब इनटू, फिर 2 की पावर 5 हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 5, और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 8, ठीक है। तो समझ में आया कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के जो पहला रूल है उसका इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन रहेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल ये तो बहुत ईजी था, एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको समझा दिया। जो आपका दूसरा लॉ है वो समझिएगा थोड़ा सा। ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, यहां पर समझिएगा, यहां पर देखिए दोनों में बेस सेम है, सॉरी, और यहां पर देखिए दोनों में क्या है आपका? बेस तो डिफरेंट है, यहां पर बेस ए है, यहां पर बेस बी है, लेकिन पावर दोनों में क्या है? एक्सपोनेंट दोनों में सेम है। दोनों में क्या है? ए की पावर एम है, और बी की पावर भी क्या है? एम है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है। तो जहां कहीं भी कुछ इस तरीके का होगा वहां हम कहेंगे ए बी की होल पावर एन, सॉरी एम। मेरी बात समझ में आई? एक बार फिर से बता देता हूं, पहले रूल में दोनों में बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी, तो क्या हो गया?
बेस एक बार लिखा, पावर को क्या कर दिया, आपस में प्लस कर दिया। यहाँ पर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हमने दोनों बेस को एक साथ लिखा और पावर को क्या कर दिया, बाहर लिख दिया ब्रैकेट को लगाकर। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये 2 और ये 3 जो बेस में लिखा हुआ है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और होल पावर कितनी कर देंगे, 3। तो ये हो जाएगा 6 की पावर 3। इसका जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 6 × 6 × 6 करके। अच्छा, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल देखिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ए की पावर एम हो फिर अपॉन लगा हो, अपॉन का मतलब डिवाइडेड बाय, फिर ए की पावर एन हो, तो इसको हम लिखेंगे ए की पावर एम माइनस एन। क्या मतलब, अगर कोई दो ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली एंटिटी लिखी हुई है जिसमें दोनों में बेस सेम है लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट है, और डिवाइड के साथ लिखी हो, यानी बीच में अपॉन लगा हो या डिवाइडेड बाय लगा हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस बेस को लिखेंगे और पावर क्या होगी आपस में, माइनस हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? अच्छा समझ में आई ना। अच्छा, इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ, इसका ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 6 की पावर 5 हो और 6 की पावर 3 हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 5 − 3 यानी 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 का आंसर कितना होता है, 36। ठीक है, अच्छा कुछ है नहीं, ए की जगह पर 6 है, एम की जगह पर 5 है, एन की जगह पर क्या है, 3 है, उठा के फॉर्मूले में रख दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चौथा रूल देखिए, ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन। अब देखिए इसमें क्या है, यहां पर दोनों में बेस सेम था, यहां पर क्या है, बेस तो डिफरेंट है लेकिन दोनों में एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है, दोनों में सेम है। अच्छा, चाहे मैं एक्सपोनेंट कहूँ और चाहे पावर कहूँ, दोनों की बात सेम होगी। ठीक है, लेकिन हम जो है इंडस्ट्रीज चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे पावर को एक स्पेशल लफ्ज़ दे देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको ज़रा भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अच्छा, इसके बाद देखिए, थोड़ा यहाँ पर बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी, बीच में डिवाइड लगा था, तो हमने क्या कर दिया, पावर को आपस में माइनस कर दिया। यहाँ पर देखिए बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो क्या करेंगे, ए अपॉन बी की होल पावर एन कर देंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने रूल नंबर 2 में किया था। बेस डिफरेंट था लेकिन मल्टीप्लाई था, पावर क्या थी, दोनों में एम थी, तो ए इंटू बी की पावर एम कर दिया, यहाँ बस डिवाइड लगा है, तो ए अपॉन बी की पावर एम कर दिया, सॉरी एन कर दिया। ठीक है, इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 है और 7 की पावर 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/7 की होल पावर 3। ओके, अच्छा इसके बाद थोड़ा सा समझेंगे, फिफ्थ रूल, अगर आपको कहीं दे दिया जाए कि ए की पावर माइनस एन है, क्या है, ए की पावर माइनस एन है, तो इसको हम लिखेंगे 1/a की पावर होल n। समझिएगा मेरी बात, ठीक है, 1 की पावर n, फिर ये हो जाएगा 1/n/a की पावर n, 1 की पावर चाहे आप कुछ भी कर दें, मेरी बात समझिएगा, 1 की पावर चाहे आप कुछ भी कर दें वो हमेशा क्या आएगा, 1 ही रहेगा। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, 1 की पावर 2 करेंगे तो भी 1 होगा, 1 की पावर 1000 करेंगे तो भी 1 होगा, और 1 की पावर 1 लाख करेंगे या 1 करोड़ करेंगे तो भी क्या होगा, वो 1 ही होगा। तो इन जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या एक इंटीजर है, तो 1 की पावर n, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अपॉन ए की पावर n। ओके, अच्छा इसके बाद सिक्स रूल भी देखते हैं, सिक्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ए की पावर n इज इक्वल टू बी की पावर n अगर ऐसा दे दिया गया है, ठीक है, और n, समझिएगा मेरी बात, और n यहाँ पर 0 नहीं है, समझिएगा मेरी बात, यहाँ पे दो कंडीशन है, a की पावर n और b की पावर n दोनों इक्वल दी है और n 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये दो कंडीशन है, तब क्या होगा, तब आपका होगा a और b इक्वल।
इसको एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, इसका एग्जाम्पल भी दूंगा, तब जो है हम आगे बढ़ेंगे। ए की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन, पहली कंडीशन ये दी है। और दूसरी कंडीशन, एन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर अगर जीरो हो गया इस रूल के हिसाब से, तो ये जो आपका लॉ है ये होल्ड नहीं करेगा, ये आपका यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। इसको भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ए की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन है, और अगर एन जीरो नहीं है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो तीसरी कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई होगी। कैसे? ए और बी बराबर हो जाएगा। इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। मत सॉरी, बहुत अच्छा लॉ है ये। अगर मैं कहूँ 2 की पावर 3, ठीक है, और मैं कहूँ 2 की पावर 3, एक मिनट, इसको ऐसे आपको नहीं समझाना पड़ेगा, इसको थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ेगा, रुक जाइए, बताता हूँ मैं आपको। अगर मैं कहूँ 8 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3, समझिएगा मेरी बात, 8 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3, और अगर इसको मैं सॉल्व करने को आपको कह दूँ, तो सॉल्व सिर्फ रूल नंबर 6 के ही हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। कैसे, ये भी आप जरा यहाँ पे समझिए। 8 की पावर n को आप लिखेंगे 2 की पावर 3 ब्रैकेट में n इज इक्वल टू 2 की पावर 3, समझिएगा मेरी बात, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3n इज इक्वल टू 2 की पावर 3। अच्छा, दोनों में बेस सेम है, तो जाहिर सी बात है पावर भी क्या होगी, सेम होगी। इसको समझिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू क्या आ गई, 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, n की वैल्यू 1 आ गई। ओके, मैं समझ रहा हूँ आपको जो इसका एग्जाम्पल है समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको बचे हुए लॉज भी बता देता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट, हम अपना 7th लॉ देखेंगे एक्सपोनेंट का, कि हमसे क्या कहता है 7th लॉ, ठीक है। 7th लॉ कहता है आपका कि अगर a की पावर m ब्रैकेट में फिर उसकी पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 7 की पावर 2 है, फिर उसकी पावर ब्रैकेट में बाहर कितनी लिखी है, 3 लिखी है, तो इसको हम लिखेंगे 7 की पावर 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 6, ठीक है। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, लॉ नंबर 7 क्या कहता है, ए की पावर एम की पावर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर एम इंटू एन। इसका एग्जांपल भी मैंने दिया कि 7 की पावर 2 है, फिर ब्रैकेट लगा के पावर 3 लिखी है, तो 7 की पावर 2 इंटू 3 यानी 7 की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए लॉ नंबर 8, लॉ नंबर 6 और लॉ नंबर 8 को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, लेकिन जब हम इस पर बेस्ड 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। लॉ नंबर 8 क्या कहता है देखिए, ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एन, ठीक है। अगर ऐसा है तो m और n बराबर होगा, हत्ता कि a की वैल्यू 1 ना हो, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन इस वजह से समझिएगा, रूल नंबर 6 और रूल नंबर 8 बहुत कन्फ्यूजन है, जब तक आप इस पर बेस्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे ये समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। मैंने क्या कहा कि a की पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n, अगर ऐसा लिखा है तो m और n बराबर होगा, हत्ता कि a की वैल्यू 1 ना हो, ठीक है। a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n अगर लिखा है तो m और n बराबर होना है हर हाल में, लेकिन a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, अगर a की वैल्यू 1 हो गई
तो जरूरी नहीं है कि m और n बराबर ही हो, ठीक है? इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तुझे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या कहा है, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n, अगर लिखा है तो m और n की वैल्यू सेम होगी, हत्ता कि a की वैल्यू वन ना हो। तो हम a की वैल्यू वन लेके देखेंगे कि अगर हम a की वैल्यू वन ले लेते हैं तब m और n में क्या फर्क आएगा। ठीक है, ले लीजिए, a की जगह वन रख दीजिए, तो वन की पावर m इज इक्वल टू वन की पावर n। ठीक है, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ज़रूरी नहीं है m और n बराबर हो। ठीक है, अगर वन की वैल्यू, अगर वन की पावर आप 10 भी रखें और यहाँ 1 की पावर 11 रखें तो भी ये दोनों क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और अगर ये बराबर आ गया तो जाहिर सी बात है हमारा ये रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो इसी वजह से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंडीशन दे दी गई। क्या कहा गया कि a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n बराबर होंगी, तो m और n हर हाल में बराबर होगा, हत्ता कि a की वैल्यू 1 ना हो। जहाँ पे भी a की वैल्यू 1 हो गई तो ज़रूरी नहीं है कि आपका m और n बराबर ही हो। ठीक है, आप इसका भी फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम जल्दी से एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का दो पार्ट दिए हैं, ये हमसे क्या कह रहा है। बेसिकली इसको सॉल्व करना है, 81 अपॉन 16 टू द पावर -3 अपॉन 4। अब समझिएगा, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे और कैसे क्या क्या करके आगे बढ़ेंगे, फर्दर करेंगे क्वेश्चन को। जब भी आपको पावर फ्रैक्शन में आ जाए, मेरी बात समझिएगा, जब भी आपको पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो आपको कोशिश ये करना है कि 81 और 16 को क्या हम समथिंग अपॉन समथिंग की पावर 4 लिख सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी पावर किसी भी इंडिसेस की फ्रैक्शन में आ जाए तो आप फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखेंगे। यहाँ पे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है, 4 है, 4 है। तो हम 81 और 16 को कुछ इस तरीके से सेट करेंगे कि समथिंग अपॉन समथिंग की पावर इसका डिनोमिनेटर आ जाए, यानी समथिंग अपॉन समथिंग की पावर 4 आ जाए, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो भी बचेगा समथिंग अपॉन समथिंग उसकी पावर -3 आएगी। जानता हूँ समझ में नहीं आया होगा, इस वजह से मैं आपको इसको थोड़ा करके दिखाता हूँ। 81 को देखिए कैसे निकालेंगे, क्या 81 समथिंग की पावर 4 है? मुझे तो पता है लेकिन मैं निकाल के बता देता हूँ। 3 से काटिए इसको, 27 बार में जाएगा, 3 से फिर रिड्यूस करिए, ये 9 बार में जाएगा, फिर 3 से करिए और फिर 3 से करिए, ठीक है। 16 को करेंगे तो ये हो जाएगा, 8 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा और ये 1 बार में जाएगा। ओके, अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 81 को 3 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 की होल पावर -3 अपॉन 4। ठीक है, ये हो गया 3 की सॉरी, अब देखिए दोनों पावर क्या है, सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 2 की होल पावर 4, क्योंकि दोनों ही की पावर कितनी थी, 4 थी। ये मेरे ख्याल से, मुझे तो नंबर तो नहीं याद लेकिन आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया है, ठीक है, 3 अपॉन 2 की पावर 4। अब देखिए बाहर क्या लिखा है, इंटू -3 अपॉन 4, ठीक है, 4 से 4 रिड्यूस हो गया, आंसर कितना आया, 3 अपॉन 2 की पावर -3। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी पावर आपको नेगेटिव आ जाए, जब भी पावर आपकी, जब भी किसी एक्सपोनेंट, जब भी इंडिसेस चैप्टर में पावर नेगेटिव आ जाए तो हम फ्रैक्शन को, अंदर वाले फ्रैक्शन को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे ही अंदर वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे ये पावर क्या हो जाएगी, अपना साइन चेंज कर देगी। जैसे यहाँ पर 3 अपॉन 2 की पावर -3 दिया है, अगर मैं इसको 2 अपॉन 3 कर दूँ, क्या कर दूँ, 2 अपॉन 3 कर दूँ, तो ये -3 से क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 होगा। 3 की पावर 3 कितना होगा, 27 होगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 8 अपॉन 27, ठीक है। अच्छा, आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो मुझे कमेंट कमेंट में बताइए, मैं अपनी तरीके से और कोशिश करूंगा आपको बेहतर तरीके से समझाने की, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखेंगे, 1 होल 61 अपॉन 64। तो पहली बात, 61 को 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसमें, सॉरी, 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसमें 61 जोड़ देंगे, ठीक है।
तो 64 बन 64, और उसमें अगर हमने 61 जोड़ दिया तो आएगा आपका आंसर 125, और अपॉन में क्या है, 64 है, की होल पावर -2/3, ठीक है। अच्छा 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। आप साइड में एलसीएम की तरीके निकाल लीजिएगा, वो मैं बार बार नहीं निकले वाला, वरना जो है वीडियो के लिए काफ़ी बड़ी हो जाएगी। 64 होता है 4 की पावर 3 की होल पावर -2/3, ठीक है। ये हो जाएगा 5/4 की होल पावर 3 -2/3, मेरी बात समझिएगा। ओके, अच्छा 3 से 3 रिड्यूस हो गया, क्या बचा, 5/4 की पावर -2। अब देखिए, अभी मैंने इस क्वेश्चन में बताया कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके, ठीक है। आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए चुपचाप, 4/5 की पावर क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल किया तो ये -2 से 2 हो जाएगा, 4 की पावर 2 16 आएगा, 5 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 25, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमसे क्या कहना चाह रहा है, 2a की पावर -3 b की पावर 2 की होल पावर 3, इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये 2 की पावर भी 3 है, a की पावर 3 की पावर भी 3 है, और b की पावर 2 की पावर भी क्या है, 3 है, इस बात को ऐसे समझना है, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे, हम पहले लिखेंगे 2 की पावर 3, बीच में लगाएंगे इंटू का साइन या डॉट का साइन, जो आपको अच्छा लगे, a की पावर 3 × 3, ठीक है, इंटू b की पावर 2 × 3। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 2 की पावर 3 यानी 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 8, इंटू -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -9, इंटू 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा b की पावर 6। तो ये हो गया 8 a की पावर -9 b की पावर 6। ओके, एंड दिस इज योर आंसर। देख सकते हैं कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट देखेंगे हमसे क्या कह रहा है। अब देखिए, a की पावर -1 + b की पावर -1 / ab की पावर -1। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जब भी पावर निगेटिव हो, तो अगर वो फ्रैक्शन वाला है, अगर वो एंटिटी फ्रैक्शन वाली है, तो उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो जो नेगेटिव पावर होगी वो पॉजिटिव बन जाएगी। लेकिन अब कुछ बच्चे कहेंगे, सर ये तो फ्रैक्शन वाला है ही नहीं, अब क्या करें, तो इसको फ्रैक्शन वाला बना देते हैं। जैसे मान लीजिए सिर्फ 5 लिखा है, तो 5 तो एक इंटीजर है, लेकिन अगर 5/1 कर दें, अगर कहीं पे 5 लिखा है तो 5 तो क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन अगर 5/1 कर दें तो क्या 5 पे कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। 5/1 की वैल्यू भी 5 होगी और 5 की वैल्यू भी 5 होगी, लेकिन देखिए दोनों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 5 क्या है, इंटीजर है, लेकिन 5/1 क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। उसी तरीके से हम इसको ए को क्या लिख सकते हैं, a/1 की पावर -1 + b/1 की पावर -1 / इसको क्या लिखेंगे, ab/1 की पावर -1। उसके बाद समझिएगा, ये 1/a करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, सिर्फ 1 बचेगी, 1 पावर लिखते नहीं हैं अमूमन। इसको करेंगे 1/b तो पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसको करेंगे तो पावर हो जाएगी 1 1/ab, ठीक है। होल पावर 1 लिखने का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि पलट के वही चीज़ आएगी जो ब्रैकेट के अंदर दी हुई है। अच्छा ठीक है, ये हो जाएगा ab LCM आ जाएगा, ab को a से डिवाइड करेंगे तो b बचेगा, b को उठा के 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आएगा, बी ही आएगा, समझिएगा, ठीक है। सिर्फ आपका जो है फ्रैक्शन वाला एडिशन कर रहा हूँ। ए बी को बी से डिवाइड करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, ए बचेगा, ए को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करा तो ए आएगा, a/1 ab, ठीक है। ये हो गया a+b/ab, ये जो बड़ा वाला अपॉन है इसको हम डिवाइडेड बाय कर देंगे / ab, ठीक है, गलती की कोई भी गुंजाइश ना बचे। वैसे तो पहले को चौथे से दूसरे को तीसरे से करते हैं, लेकिन आप थोड़ा और मतलब बेसिक वे में समझिए, ठीक है,
ताकि कभी भी गलती की गुंजाइश ना रहे। ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हुआ, आपका आंसर कितना आ गया, ए प्लस बी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है, x की पावर माइनस वन डॉट, डॉट का मतलब होता है इनटू, मैं पहले भी बता चुका हूं, y की पावर ऑफ माइनस वन अपॉन x की पावर माइनस वन प्लस y की पावर माइनस वन। तो ये बहुत आसान है, देख लीजिए, इस x को लिखेंगे हम x अपॉन वन की पावर माइनस वन, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, इस y को लिखेंगे हम y अपॉन वन की पावर, ठीक है ये y है, y अपॉन वन की पावर माइनस वन अपॉन, ये हो जाएगा वन अपॉन, सॉरी, x अपॉन वन की पावर माइनस वन प्लस y अपॉन वन की पावर माइनस वन। ठीक है, ये सिंपल आपका वेरिएबल लिया था, उस वेरिएबल को हमने क्या कर दिया, फ्रैक्शन फॉर्म में कर दिया अपॉन वन करके। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाते कैसे हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, इसको हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हो जाएगा वन अपॉन एक्स की पावर वन, पावर वन हम अमूमन लिखते नहीं हैं, इंटू ये हो जाएगा वन अपॉन वाई अपॉन, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स, ये हो जाएगा वन अपॉन वाई। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स वाई। ठीक है, वन को वन से मल्टीप्लाई किया, वन आ गया, एक्स को वाई से किया, एक्स वाई आ गया अपॉन, ये आ गया एक्स वाई, एक्स वाई कैल्सियम निकाला, एक्स वाई आ गया, एक्स वाई को एक्स से डिवाइड करेंगे बचेगा वाई, वाई को उठा के वन से मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया वाई, प्लस एक्स वाई को वाई से डिवाइड कराया तो बचेगा एक्स, एक्स को उठा के वन से मल्टीप्लाई करा देंगे, या तो ऐसा समझिए वाई को वन से किया, एक्स को वन से किया और अपॉन करके एक्स वाई लिख दिया, जैसे आप समझें वैसा। ठीक है, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पहले को चौथे से, दूसरे को तीसरे से, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसे आपको ध्यान रखने में कोई दिक्कत होती है तो जो मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में कराया था, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी मैं बेसिक तरीका ही अप्लाई करूँगा, वन अपॉन एक्स वाई, जो बड़ा वाला डिवाइड है उसको हम, सॉरी, जो बड़ा वाला अपॉन है उसको हम डिवाइडेड बाई लिख देंगे, ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। ठीक है, ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स वाई, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन वाई प्लस एक्स, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हुआ, आपका आंसर कितना आ गया, वन अपॉन एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक, उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट भी करेंगे, बहुत आसान है, देख लीजिए, ये आपको दिया है फोर इंटू टेन टू द पावर सेवन, बीच में कोई सही नहीं, मतलब इंटू का होगा, सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव अपॉन एट इंटू टेन टू द पावर टेन। ठीक है, पहले जो कट रहा उसको काट देते हैं, फोर वन ज़ा फोर टू ज़ा टू वन ज़ा टू थ्री ज़ा, देखिए क्या बचा, थ्री इंटू टेन टू द पावर सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव अपॉन टेन टू द पावर टेन। ठीक है, अच्छा पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, टेन टू द पावर सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव, यहाँ जो आपका रूल था कि ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन, उसमें हम करते क्या थे, ए की पावर एम प्लस एन कर देते थे बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो हम यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, ये हो जाएगा टेन की पावर सेवन प्लस माइनस फाइव अपॉन टेन की पावर टेन, तो हो जाएगा थ्री इंटू प्लस माइनस माइनस, साथ में से पाँच जाएगा बचेगा दो, टेन टू द पावर टू अपॉन टेन टू द पावर टेन। ठीक है, ये हो जाएगा थ्री इंटू टेन टू द पावर टू। अब देखिए, जब जाहिर सी बात है, आप सिर्फ अगर इतनी चीज़ को देखें तो ये क्या है, ये है आपका ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एम, तो आंसर आता कितना था, ए की पावर एम माइनस एन, यानी पावर आपस में क्या होती थी, डिवाइड हो जा माइनस हो जाती थी, तो टू माइनस टेन कर देंगे पावर को, ये हो जाएगा थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस एट। ओके, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। एक बार थोड़ा सा चेक कर लेने दीजिए, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पहले हमने जो न्यूमरेटर में दिया टेन की पावर सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव, उसको सॉल्व किया, सेवन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है प्लस ही लगाना है, बीच में माइनस नहीं लगाना है, ठीक है डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सात में से पाँच जगह बचेगा दो, टेन टू द पावर टू अपॉन टेन टू द पावर टेन है, तो इसको हम क्या करेंगे, टेन की पावर टू माइनस टेन कर देंगे, तो आ जाएगा टेन टू द पावर माइनस एट, थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस एट इज योर फाइनल आंसर।
स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन हमसे क्या करने कह रहा है। कहता है 3a अपॉन b की पावर माइनस 1 प्लस 2b अपॉन a की पावर माइनस 1। ठीक है, ये है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन मैं इसको जो है आपको ट्रिक के जरिए बताऊंगा ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। जब कभी भी डिनोमिनेटर में, मेरी बात समझिएगा, जब कभी भी डिनोमिनेटर में किसी एंटिटी की पावर नेगेटिव हो और अगर उसको हम ऊपर शिफ्ट कर दें तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। एक बार फिर से, जब कभी भी कोई फ्रैक्शन में किसी एंटिटी की पावर डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो और अगर उसको हम उठा के ऊपर शिफ्ट कर दें तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए 3a, b को उठा के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा b की पावर माइनस 1। ठीक है, बीच में n2 का साइन रहेगा, सॉरी b की पावर माइनस 1 नहीं, b की पावर 1 हो जाएगा। और b की पावर 1 का मतलब क्या है? सीधा सीधा b। उसी तरीके से यहाँ भी 2b a की पावर 1, ये हो जाएगा 3ab, ये हो जाएगा 2ab या 2ba, कुछ भी लिख सकते हैं। 3ab और 2ab को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5ab, एंड दिस इज योर आंसर। देख सकते हैं कितना आसान था। ठीक है, उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4th का सेकेंड पार्ट भी करेंगे, उस तरीके से नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है, देखेंगे कैसे। 5 की पावर 0। अच्छा, मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई थी कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, चाहे वो आपका फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे आपका इंटीजर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे नेशनल नंबर हो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 5 की पावर 0 है तो आग बंद करके इसको क्या लिख देंगे आप? 1 इंटू, इसको लिखेंगे 4 अपॉन 1 की पावर माइनस 1। ठीक है, इंटू इसको लिखेंगे 8 की पावर 1 अपॉन 3, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4। ठीक है, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और बाहर ऑलरेडी क्या है पावर? 1 अपॉन 3, तो पावर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा? 1 अपॉन, समझिएगा, ठीक है, आसान है, 1 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 2 की पावर 1 मतलब 2। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, कितना आया? 1 अपॉन 2, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अगर कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं तो इसको 1 अपॉन 1 कर लेंगे, इसको 2 अपॉन 1 कर लेंगे, तब आपका कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट भी करेंगे, देखिए कैसे। पहली बात, यहाँ नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे? अंदर वाला उठा के रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हो जाएगा 125 अपॉन 8 की पावर 1 अपॉन 3। ठीक है, फिर हम 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर 1 अपॉन 3। ये सब कैसे लिखेंगे? ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, साइड में एलसीएम निकाल के 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन, अब देखिए दोनों में पावर 3 है ना, तो 5 अपॉन 2 की पावर होल 3, और बाहर ऑलरेडी क्या है? 1 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर कितना आया? 5 अपॉन 2, एंड दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट देखेंगे कैसे करना है। 0.027, तो इसको हम लिखेंगे 0.027, पॉइंट जटेगा कितनी गिनती बढ़ेगी नीचे, पॉइंट के बाद 3 जीरो है तो हम 3 जीरो बढ़ाएंगे, लेकिन 1 को लगाकर। ये सब आप जानते होंगे, छोटे क्लास में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, 27 अपॉन 1000 है, इसको जब आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर जो 1 अपॉन -1 अपॉन 3 है वो क्या बन जाएगी? 1 अपॉन 3 बन जाएगी। ओके, 1000 अपॉन 27 की पावर क्या है ये? जाहिर सी बात है, इसको रेसिप्रोकल किया है तो नेगेटिव पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। 1000 को हम लिख देंगे 10 की पावर 3, 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3, ये सब आपको आना चाहिए, साइड में आप निकाल लेंगे एलसीएम निकाल कर। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू 1 अपॉन 3, ये हो जाएगा 10 अपॉन 3 की पावर होल 3, क्योंकि दोनों में पावर क्या है? 3 है, तो इसको हम एज अ 1 करके पावर बाहर ब्रैकेट के लिख सकते हैं, पावर बाहर ब्रैकेट के लिख सकते हैं, और बाहर ऑलरेडी पावर कितनी थी? 1 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर कितना आया? 10 अपॉन 3, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। और इन तीनों से खास बात जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ और बहुत ज़रूरी भी है, इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।